देश पर जब कोरोना का कहर बरसा था और पूरी दुनिया थम गई थी, लेकिन जो एक चीज कोरोना के बाद भी नहीं रुकी वो था इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। भले ही खिलाड़ियों को क्रिकेट खाली स्टेडियम में खेलना पड़ा था, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों ने घर बैठकर ही इसका पूरा मजा लिया। अब एक बार फिर आईपीएल की वापसी हो गई। 2008 में शुरू हुआ आईपीएल दुनिया में खेले जाने वाले खेल लीगों में छठे स्थान पर है और 2021 में आईपीएल का 14वां सीजन खेला जाएगा और 18 फरवरी को चेन्नई में आईपीएल 2021 के लिए 292 खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगाई जाएगी। आईटीसी ग्रैंड होटल में दोपहर 3 बजे से होने वाली नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस नीलामी में स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी इसका केंद्र होंगे। आईपीएल संचालन परिषद ने खिलाड़ियों की संख्या में कटौती की। गुरुवार को चेन्नई में होने वाली नीलामी में 61 खाली जगहों के लिए 292 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे। 292 खिलाड़ियों में से 164 भारत से होंगे तो वहीं 128 खिलाड़ी विदेशी होंगे। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1114 क्रिकेटर्स ने करवाया था। लीग में 8 टीमों के पास बची फंडिंग से 292 में से 61 खिलाड़ी और चुने जाएंगे, जो कुछ इस तरह से: चेन्नई सुपर किंग्स 19 करोड़ 90 लाख, मुंबई इंडियंस 15.35 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 35 करोड़ 40 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद 10.75 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स 13.40 करोड़, किंग्स 11 पंजाब 53 करोड़ 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स 37.85 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स 10.75 करोड़। जहां राजस्थान रॉयल्स ने कैप्टन स्टीव स्मिथ को रिलीज करने का साहसिक कदम उठाया था, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में सुरेश रैना की वापसी से टीम मजबूत हुई है। वहीं चेन्नई की टीम नीलामी में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी को ले सकती है। ऐसे में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी की जगह खाली होने की वजह से टीम की नजर मैक्सवेल या मोइन पर होगी, क्योंकि दोनों ही तेज गति से रन बनाने के साथ ही ऑफ स्पिनर भी है। और वहीं टीम में हरभजन और केदार जाधव की विदाई के बाद ऑफ स्पिनर की जरूरत भी है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो वो इस नीलामी में 2 खिलाड़ी खरीद सकते हैं। उम्मीद ऐसी है कि वो उमेश यादव को फिर से खरीद सकती है। हालांकि उमेश के पिछले 2 सीजन अच्छे नहीं थे, लेकिन साल 2018 में पावर प्ले में उमेश की बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। 18 फरवरी यानी गुरुवार को चेन्नई में खिलाड़ियों की मंडी सजने वाली है, जिसका प्रसारण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा। क्रिक बज की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल मालिकों का कोरोना टेस्ट भी होगा। सभी को 2 आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट जमा करवाने पड़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी इस सीजन में 8 ही टीमें हिस्सा लेंगी। आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। मुंबई के बाद इस लीग में सबसे ज्यादा ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स के नाम पर है, जिन्होंने 3 बार इस पर विजय हासिल की। सफर पर है और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।